इफेक्ट ऑफ शेप और साइज की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, हम अपने अर्थ को बेटे अगर व्यू करें, ये बेटे परफेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। अर्थ हमारा जो है इट इज लिटिल बिट फ्लैटेंड बेटा, और हमारा अर्थ जो है ये समथिंग लाइक दिस बेटे, इस तरीके का सेटअप शो करता है। और ये आपके पोलर एक्सिस होते हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन है आपका, इसको आप जनरली नॉर्थ पोल, इसको आप जनरली साउथ पोल बोल देते हो। और डियर चिल्ड्रन, हमने पहले भी बात की है एक दो बार, आपका जो अर्थ के सेंटर से इक्वेटर तक का रेडियस है, इसको आप इक्विटोरियल रेडियस कहते हैं। और आपके सेंटर ऑफ द अर्थ से पोल तक का जो ये वाला सेपरेशन है, इसको आप बेटे पोलर रेडियस कह देते हैं दिस वे। एंड डियर चिल्ड्रन, याद रखिएगा, आर इक्विटोरियल जो है ये पुत्र आर पोलर से 21 किलोमीटर बड़ा है, मतलब रमनीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटे, बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। ठीक है बेटे, रमनीक करते जाइए आप। आपने स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। बच्चों, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम आपका नोन है, नोन है आपको, वैल्यू याद है 6 × 10⁴ kg। रेडियस ऑफ अर्थ की एवरेज वैल्यू भी आपको पता है 6.4 × 10⁶ m/s। पर सेकंड में ज्यादा बोल गया, मैं लिख ही देता हूं बेटा, मास है 6 × 10⁴ kg, रेडियस है 6.4 × 10⁶ m। ये बेटे एवरेज वैल्यू है रेडियस की, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये आपका इक्वेटोरियल है या पोलर है, नहीं, ये दोनों या और भी अगर आप कोई रेडियस का कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं सबका मीन नहीं है। सो अगर मैं बात करूं बेटे एट द पोल्स, पोल्स पर आपका जो स्मॉल जी है इट विल बी बेटे समथिंग लाइक दिस, इट इज जी एम अपॉन आर पोल, इसका स्क्वायर, आर की जगह पर मैंने बच्चों आर पोलर लिख दिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। इसी तरीके से आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर जी की वैल्यू लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर इक्वेटर, इसका स्क्वायर, एंड आई मे कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू। बेटा आप इक्वेशन नंबर वन को बच्चों टू से डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइडिंग वन बाई टू, आपके पास जी एट पोल्स, जी एट इक्वेटर, इट इज जी एम अपॉन आर पोल, इसका स्क्वायर, इट इज आर इक्वेटर का स्क्वायर अपॉन जी एम, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड बेटा। और आइए देखें आगे, जी एट पोल्स, जी एट इक्वेटर, ये आपके पास आर इक्वेटर स्केयर, आर पोल का स्केयर, ये बेटे बन जाता है। इसको बेटे हम एडजस्टमेंट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आर इक्वेटर अपॉन आर पोल, इसका सारे का स्केयर, दिस विल बी जी पोल, जी इक्वेटर। अब आप जानते हैं इक्वेटोरियल रेडियस आपका पोलर रेडियस के कंपैरेटिवली ज्यादा है, बड़ा है, इट विल मीन दैट बेटा कि ये जो रेशो है आपका आर इक्वेटोरियल अपॉन आर पोलर वाला, ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी जो है इट इज मोर देन वन। अगर मोर देन वन है कोई क्वांटिटी, उसका स्केयर कर दें हम, दैट बिकम्स इवन लार्जर और हैविंग मोर न्यूमेरिकल वैल्यू, सो यू कैन से दैट दिस इज ग्रेटर देन वन बेटा। और इन द नट शेल, अब बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जी की वैल्यू एट द पोल्स डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू एट द इक्वेटर, दिस इज मोर देन वन, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, जी पोल
मोर देन जी इक्वेटर, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास इनटू जी एट पोल, मास इनटू जी एट इक्वेटर, दिस बिकम्स वेट, दिस इज वेट एट द पोल्स मोर देन द वेट एट द इक्वेटर, सो इन दिस वे बेटे आप स्मॉल जी की जो साइज के साथ शेप के साथ वेरिएशन की बात जो है बेटा इस हिसाब से आप कर सकते हो, सोच सकते हो। किसी स्टूडेंट को पुत्र कोई बात नहीं पता चली तो यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल एक्सप्लेन दैट वंस अगेन। यस रमनीक, ठीक है, गुड बेटा रमनीक, बाकी स्टूडेंट्स उत्तर वेरी नाइस। साथ साथ बेटे सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा ताकि बेटे अगर आपको ये कोई पूछ ले कि बताइए प्रूव करके तो आप फटाफट इसको प्रूव कर दें। आइए आगे चलें। स्मॉल जी हाइट के साथ डेप्थ के साथ कैसे वेरी करेगा ये भी दोनों आज हम कंप्लीट कर लें ताकि आपको कोई भी फर्दर दिक्कत ना आए बेटा। तो लेट मी बेटे रब दिस पार्ट, देन वी विल बी बिगनिंग विद दैट वेरिएशन ऑफ जी विद द हाइट आल्सो बेटे, लेट अस कंसंट्रेट बेटे रादर। सो डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट बेटे मेरे पास है इफेक्ट ऑफ हाइट, हाइट के साथ आपका जी कैसे वेरी करता है। इमेजिन यहां पे करना होगा आपको कि आपका अर्थ जो है ये स्फेरिकल बॉडी है, वैसे स्फेरिकल नहीं है, स्लाइटली फ्लैटेंड है, 21 किलोमीटर का फर्क आप जान गए हैं, पता ही आपको, लेकिन यहाँ पे इस डेरिवेशन करने के लिए आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी है। लेट इट बी द सेंटर ऑफ द अर्थ, मास अर्थ का कैपिटल एम, रेडियस अर्थ का कैपिटल आर, यहां पे आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है और यहां पे अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू जो है दिस इज जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, इसके बराबर भी है। और डियर चिल्ड्रन अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग स्टिल अहेड, मान लीजिए हम अपने ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से पिक करके किसी हाइट एच तक ले जाते हैं, लेट इट बी द हाइट एच। अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम की डायमेंशंस को बेटा तो ये हाइट आपको रेडियस के कंपैरेटिव लग रही है, काफी ज्यादा लग रही है आपको हाइट। सो जब जब आपकी हाइट जिस हाइट तक आप अपना ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हो दैट विल बी वेरी वेरी लार्ज, दैट विल बी रादर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तब तब हम ये डेरिवेशन में जो फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे वो यूज करेंगे। आइए देखें, जी एट ए हाइट एच दिस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर वन इसको और टू इसको आप कह सकते हो। आपको बिकॉज जी की वैल्यू एट ए हाइट एच निकालनी है, टू को वन से बेटा डिवाइड करिए, जी एट ए हाइट डिवाइडेड बाई जी ऑन द सर्फेस, दिस इज जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, इट इज आर का स्क्वायर अपॉन जी एम, दिस इज विद गेटिंग कैंसल्ड। और आपके पास बच्चों फिर बचा क्या, जी एट ए हाइट एच डिवाइडेड बाई जी ऑन द सर्फेस, इट इज आर का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर आर प्लस एच का कंप्लीट स्क्वायर। डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा बेटा, आपका इस एक्सप्रेशन का जो डिनोमिनेटर का टर्म है आर प्लस एच का स्क्वायर, डेफिनेटली ये न्यूमिनेटर वाली टर्म से बड़ा है, मतलब ये वाली टर्म छोटी है, ये वाली टर्म काफी ज्यादा बड़ी, तो रेशो लेस देन वन हो जाएगी बेटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जी एट ए हाइट एच इज लेस देन जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अगर डियर चिल्ड्रन आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना हो, करना पड़ जाए रादर, इस जी को इधर ले जाइएगा, जी एट ए हाइट एच इट इज इक्वल टू जी ऑन द सर्फेस आर का स्क्वायर
इन द डिनोमिनेटर आर प्लस एच का सारे का स्केयर बेटा। इस तरीके से बेटे आप जो है इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बेटे ये आपके पास बेटे बात आ जाती है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट उसके रिगार्डिंग बेटा। देन आइए आगे चलें विद कैलकुलेशन ऑफ द वेट एट ए हाइट एच। इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी एम इनटू जी आर का स्क्वायर आर प्लस एच का सारे का स्क्वायर। बेटे एम इनटू जी इट इज वेट, वेट एट ए हाइट एच इट इज वेट ऑन द सरफेस आर का स्क्वायर आर प्लस एच का सारे का स्क्वायर। सो इन दिस वे बेटा आप इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट आल्सो। डियर चिल्ड्रन एक बार चेक करिएगा, कोई बात नहीं पता चली आपको बता दूं मैं दोबारा फिर से। ऑल ऑफ यू यस वेरी नाइस बेटा, रमीक हैज सॉल्व दिस गुड। बाकी बच्चे भी देखो बेटा, दिया आस्था वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए बेटे फिर आगे आपको मैं और इस डिस्कशन के साथ आगे ले चलता हूँ। कई बार एग्जामिनर आपको कह देते हैं कि नहीं जी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, अगर हाइट थोड़ी हो छोटी हो कम हो अर्श स्ट्रीक और ठीक है पुत्र। अगर हाइट कम हो तो बेटे हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, हमें ये यूज नहीं करना चाहिए। उस केस में हम फिर बेटे क्या करेंगे, आइए देखें इस रिलेशनशिप को मैं पिक कर रहा हूँ बेटा, उठा रहा हूं इसको। G at a height h it is G on the surface R का square in the denominator, यहां से मैंने R common लिया denominator में से, मेरे पास बन गया R into 1 plus h by R इसका सारे का square। बेटे सारे बच्चे चेक करके बताइए ये स्टेप समझ में आ गया या कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ओके नाइस, तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को मैं इस तरीके से बेटे लिख देता हूं। ये आपके पास आ गया जी आर का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर आर का स्क्वायर वन प्लस एच बाई आर इसका बी स्क्वायर। ये बच्चों देखो आपका कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, जी एट ए हाइट एच इट इज जी ऑन द सर्फिस इन टू वन प्लस एच बाई आर इसकी पावर माइनस टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर प्लस टू थी, जब आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे माइनस टू हो जाएगी। बेटा ये स्टेप देख के बताइए, कोई दिक्कत वाली बात ना हो किसी बच्चे को भी, अच्छे से समझिएगा। नाइस गुड ठीक है बेटा, ठीक है जी ठीक है। सो चलिए फिर बेटे आपको एक बात बेटे बताई हुई है मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है बेटे अपने आपने सॉल्व कर लिया है अच्छी बात है। रमनीक और बिल्कुल ठीक बेटे बिल्कुल ठीक वेरी नाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर बेटे ऐसी फ्रैक्शन आ जाए आपके पास और ऊपर वाली टर्म इन कंपैरिजन टू दिस डिनोमिनेटर टर्म काफी छोटी हो तो हम इस पावर को अलोंग विद द साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। कंडीशन होती है बाइनोमियल थ्योरम लगाने की कि अगर ये फ्रैक्शन में ऊपर वाली टर्म डिनोमिनेटर के कंपैरेटिवली बड़ी छोटी हो थोड़ी हो कम हो तो आपकी जितनी भी पावर है अलोंग विद द साइन यहां पे आकर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और आपको बच्चों मिलेगा जी एट ए हाइट एच इट इज जी ऑन द सरफेस वन माइनस टू एच अपॉन आर। ये चीज बेटे आपके पास बन जाएगी, तो ये आपने तब यूज करना है जब हाइट एच आपको कह दे कि 10 किलोमीटर पर चले गए जी हम अर्थ की सरफेस से, 15 किलोमीटर पर चले गए, 50 किलोमीटर चले गए, 100 किलोमीटर चले गए। अगर वो कह दें कि नहीं जी आर बाई फोर ऊपर गए हैं तब ये नहीं तब ये, राइट। इसको दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास आ जाएगा एम
जी एट ए हाई एच एम इंटू जी वन माइनस टू एच बाई आर, ये चीज आपके पास आ जाएगी। और ये बच्चों वेट होता है, सो वेट एट ए हाई एच, दिस इज वेट ऑन द सर्फेस, वन माइनस टू एच बाई आर। ये चीज आप नोटिस करिएगा, वेट की वेरिएशन विद हाइट, जब हाइट काफी कम है, थोड़ी है, छोटी है। सारे बच्चे बेटे सारे स्टेप्स को एक बार देखिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात नहीं पता चली बेटा तो आप पूछ सकते हो। मैं एक मिनट के लिए वेट करूंगा, फिर मैं जो डेप्थ के साथ वेरिएशन है उसके ऊपर शिफ्ट करूंगा। सारे स्टूडेंट्स बेटे एक बार देख लीजिएगा सारे स्टेप्स को, आपको कहीं पे भी। हाँ जी रमनीक बेटे, नाइस बेटे, नाइस नाइस रमनीक, आस्था है सॉल्व, दिया है सॉल्व, और पूर्वी वेरी गुड, बाकी बच्चे भी। हाँ जी बेटे मिलन, नाइस बेटे, नाइस नाइस मिलन, वेरी गुड। ठीक है बेटे, फिर अगर आपने सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया है तो फिर हम आगे चलते हैं। वाई टू स्टॉप, सो आइए बेटे आगे चलें। जी की वेरिएशन बेटा हम आइए देखें डेप्थ के साथ कैसे स्टडी कर सकते हैं, डेप्थ के साथ जी कैसे वेरी करेगा और किस हिसाब से आप ये सारी डेरिवेशन कर सकते हैं। आइए बेटे इसको भी दो मिनट लगाकर समझे सोचे कैसे हम सारा ये कर सकते हैं। सो वी हैव फर्दर मोर दैट वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, डेप्थ के साथ जी कैसे वेरी करती है, लेट अस कंसंट्रेट। आपका ये अर्थ हमने इमेजिन किया वंस अगेन टू बी ऑफ स्फेरिकल नेचर, हम इसको आर रेडियस का स्फीयर मान लेते हैं, ये सेंटर है, ये बच्चों रेडियस आर है आपके अर्थ का, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। मास ऑफ द अर्थ जो है इसको कैपिटल एम बेटे लिखा जा सकता है। आपने प्रेजेंटली डिस्कशन कर रखा है कि जो स्मॉल जी है इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। बच्चों आपको याद होगा हमने बात की हुई है ऑलरेडी, काफी बार अगर डिस्कशन किया है कि जो मास है बेटे और जो डेंसिटी है और जो वॉल्यूम है ये आपस में इस तरीके से रिलेटेड है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, या मास जो है दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो इनटू वी, इसको रो बोल देते हैं, राइट बेटे राइट। अब एक बात बेटे यहां पे समझने वाली है, जब आप अर्थ की स्ट्रक्चर की बात करते हो अर्थ की तीन लेयर्स होती हैं, पहला क्रस्ट, दूसरे वाला मेंटल, तीसरे वाला कोर, और कई बार तो हम कोर को भी इनर और आउटर कोर कह के उसको समझते हैं। जब हम डेंसिटीज की बात करते हैं आपका जो अर्थ का क्रस्ट है ऊपर वाला जो सरफेस है इसकी डेंसिटी सबसे कम, ये 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब करीब होती है। इसके बाद जब आप मिडल लेयर पे चले जाते हो, मेंटल पे चले जाते हो, वहां डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, रो बदल जाता है, वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब करीब उसकी वैल्यू हो जाती है डेंसिटी की। अगर हम कोर पे चले जाएं, इनर लेयर पे चले जाएं, सेंटर के पास, वहां पर जी की वैल्यू 18 तक चली जाती है, काफी बढ़ जाती है, रो की सॉरी जी की नहीं डेंसिटी की। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ की डेंसिटी जैसे जैसे आप टॉप से सेंटर की तरफ जा रहे हैं लगातार बदलती जाती है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है। जितनी भी आप वैल्यूज अर्थ की डेंसिटी की टॉप से सेंटर तक मूव करते करते नोट करते हैं उनका सबका आप अगर मीन ले लें और आप कह दें कि रो जो है इट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है अगर, तो बेटा आपका जो यहाँ पे मास है इसमें ये वाली वैल्यू पुट की जा सकती है।
राइट बेटे, सो जी फिर आपके पास बन गया स्मॉल जी, दिस इज इक्वल टू जी एम को आपने लिख लिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन आर का स्केयर। अब बात आ जाती है, आप जब अर्थ को स्फेरिकल बॉडी मान लेते हो, स्फीयर मान लेते हो, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ बेटा। ये वॉल्यूम की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए। हाँ जी बेटे, ठीक है, नाइस बेटे, नाइस, करते जाइए आप। इट इज जी रो, इट इज 4/3 πr³, और ये आर का स्केयर यहाँ पे पड़ा रह गया है, सच। स्मॉल जी बन गया 4/3 πg, ऊपर 3 पावर है, नीचे 2 पावर है, πgrρ, ऐसे लिख देता हूँ बेटा। चेक करिएगा सारे बच्चे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को? ओके, नाइस, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। राइट बेटी, राइट राइट राइट, ठीक है रमनीत, दिया ठीक। फिर आपने क्या किया, यहां पर एक होल ड्रिल किया, होल ड्रिल करके आपने देखो इतना डीप आपने होल ड्रिल कर लिया यहां पर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट पहले सरफेस पे पड़ा था, अब वो इस होल में पड़ा है, यहां पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला जो आपका होल जिस जगह पर पड़ा है अर्थ के सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस अब आपके पास बेटे, अगर ये डेप्थ डी के बराबर आप ले लो डी, तो ये फिर बन गया आर माइनस डी। डॉटेड लाइन से जो मैंने ड्रॉ की है, पिट की सरफेस पर से टच करती हुई, इसका रेडियस आर माइनस डी के बराबर का है। इसका मतलब हुआ इस जगह पर जी की वैल्यू, जी एट ए डेप्थ डी, दिस इज 4/3 πg आर माइनस डी इनटू रो। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब आप 2 नंबर को 1 नंबर से बच्चों डिवाइड कर दो। बिल्कुल ठीक बेटे रमनीक, और वेरी नाइस रमनीक, आप 2 को 1 से बेटे डिवाइड कर दीजिए। जी एट ए डेप्थ डी, जी ऑन द सरफेस, 4/3 πg आर माइनस डी इंटू रो अपॉन 4/3 πgrρ। बेटे 4/3 से 4/3, पाई से पाई, जी से जी, रो से रो, कैंसिल आउट हो गया। जी एट ए डेप्थ डी, जी ऑन द सरफेस, आर माइनस डी अपॉन आर बन गया जी। हाँ जी रमनीक, ठीक है बेटे, ठीक है। ये वाली टर्म जो है ऊपर, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। आर मैंने कॉमन लिया, 1 − d/r बन गया, इन द डिनोमिनेटर तो आर है ही है, ये बच्चों आर आपका कैंसिल आउट हो गया जी। जब आप ऐसे कर दोगे तो स्टिल थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लीजिए, जी एट ए डेप्थ डी अपॉन जी इज 1 − d/r, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। जी एट ए डेप्थ डी, जी ऑन द सरफेस, 1 − d/r, ये बेटे आपके पास जी की वेरिएशन के अंदर डेप्थ डी आ जाती है। दोनों तरफ आप बेटे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एम इंटू जी एट ए डेप्थ डी, इट इज एम इंटू जी 1 − d/r, ये वेट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, राइट राइट राइट। सो वेट एट ए डेप्थ डी, इट इज इक्वल टू वेट ऑन द सर्फेस इंटू 1 − d/r। लेट मी मेक एडजस्टमेंट ओवर हियर, यस, चेक कर लीजिए बेटा। ऑल ऑफ यू बेटा, कोई पॉइंट आपको नहीं पता चला? हाँ जी रमनीक, गुड। बाकी बच्चे भी देखो, बच्चों सारे स्टूडेंट्स देखो, दिया, रमनीक, आस्था, मिलन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। हर्षप्रीत कौर,
हैज ऑल्सो सॉल्व दिस बेटा, सारे स्टेप्स सारे बच्चों को समझ आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो कल आपको याद होगा हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, अब आपके ये देखो बेटे तीनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अरे नीट गुड बेटा, अब मैं क्या करता हूँ कि डेप्थ के साथ वेरिएशन के दो न्यूमेरिकल्स आपको और करवा देता हूँ, फिर हम बेटे नेक्स्ट टाइम आगे देखते हैं कि कैसे हमने प्रोसीड करना है। आइए देखिए बेटे एक छोटा सा न्यूमेरिकल। हाँ जी ठीक है बेटे पनिका, वेरी नाइस बेटे। न्यूमेरिकल है बेटा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 63 न्यूटन। कैलकुलेट इट्स वेट एट ए डेप्थ डी इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस। आप करिए बेटे फिर मैं भी करता हूं बाद में। 1/3 ऑफ द डेप्थ रेडियस के बराबर अगर आप ले लोगे, उस डेप्थ पर आपको जी की वैल्यू निकालनी है, करके देखिए और हम फिर बेटे मैच भी कर लेते हैं, मैं भी सॉल्व करता हूँ फिर हम आंसर मैच कर लेंगे बेटा। राइट जी, ऑल ऑफ यू बेटे ट्राई दिस। रिया मिलन, हर्षप्रीत, रमनीक, पूर्वी, लवलीना, पनिका, ये बच्चे रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा आज। अश्मित बेटा, हरनूर, हाँ जी ठीक है अश्मित ठीक है। हरनूर एंड हर सिमरन, हरनूर एंड हर सिमरन, ओके। हाँ जी बच्चों लगाइए एक मिनट। दिया, पनिका, लवलीना, रमनीक, अश्मित, आस्था, अर्शप्रीत, सारे बच्चे करिए। 642 न्यूटन, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी देखो पुत्र, यस सारे बच्चों ने 42 निकाला है, वेरी नाइस गुड गुड। चलिए मैं भी करता हूँ फिर बेटे, ओके 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 वेरी गुड बेटा। बेटे जी एट ए डेप्थ डी, जी ऑन द सरफेस 1 - d/r, वेट एट ए डेप्थ डी, वेट ऑन द सरफेस 1 - d/r, ठीक है पुत्र जी ठीक है। डेप्थ आपका 1/3 ऑफ द रेडियस के बराबर, वेट एट ए डेप्थ डी, वेट ऑन द सरफेस 1 - d, आपके पास इतना आ जाएगा, ये चीज बन गई, वेट एट ए डेप्थ डी, वेट ऑन द सरफेस 1 - 1/3, वेट एट ए डेप्थ डी, वेट ऑन द सरफेस 1 - 1/2, 2/3 होता है ना बेटा, सो वेट एट ए डेप्थ डी ये 63, 2/3 ये बन गया 21, सो वेट एट ए डेप्थ डी दिस इज 42 न्यूटन। सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की है, ऑल एप्रिशिएशन फॉर यू अर्चिता, बिल्कुल ठीक बेटे हर्षप्रीत कौर, वेरी नाइस बेटे। किसी स्टूडेंट को कोई बात ना पता चली हो तो पूछ लीजिए बेटे, ऑल ऑफ यू ठीक है बेटे, वेरी गुड। सो बेटे मैं आगे और नहीं जा रहा हूँ आज, आपने आज काफी काम किया है, 2-3 डेरिवेशन की हैं, न्यूमेरिकल भी आपने रिलेटेड कर लिया है। किसी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज बेटे आई एम एंडिंग अप द मीटिंग ओवर हियर। ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल बेटे।